हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव। आज हम सीखेंगे विंडोज 7 में कैसे वाईफाई पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो वाईफाई है मेरा वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरा वाईफाई पासवर्ड है वो चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए इसमें कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो उसमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे विंडोज़ का जो विंडोज 7 में पासवर्ड है वाईफाई का, उसको कैसे चेंज करना है, क्योंकि वाईफाई राउटर में चेंज हो गया। उसको चेंज करने के लिए कोई भी विंडोज़ वर्सन हो, आप सिंपली रन में जाइए, विंडोज ऑन करके रन में जाइए, उसमें ncpa.cpl कीजिए। नहीं तो आप सर्च में स्टार्ट में क्लिक करके सर्च कीजिए ncpa.cpl। अगर आपको विंडोज 10 है, विंडोज 10 का सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए ncpa.cpl, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद आप देखिए इधर वायरलेस नेटवर्क में शो हो रहा है अटेम्प्ट टू ऑथेंटिकेट, मतलब आपका जो पासवर्ड है वो मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा मैसेज हो रहा है अटेम्प्ट टू ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन है इशू हो रहा है। तो आपको इधर कनेक्टिंग दिखा रहा है। अभी इसमें कनेक्टिंग दिखाने के टाइम पे आप इसमें राइट क्लिक कीजिए, स्टेटस कीजिए, उसके बाद आपको नया ऑप्शन मिलेगा वायरलेस प्रॉपर्टीज, वायरलेस प्रॉपर्टीज में जाइए, उसके बाद सिक्योरिटी इधर शो कीजिए। देखिए वायरलेस जो पासवर्ड है वो इधर शो हो रहा है। उसमें क्या करना है, आपका जो नया पासवर्ड है उसको इसमें डालना है। ठीक है, देने के बाद ओके कीजिए, क्लोज कीजिए, उसके बाद दोबारा कनेक्ट करने के लिए ट्राई कीजिए, वो जो कनेक्टिंग है वो कनेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप सिंपली एक काम कीजिए, एक बार डिसेबल कीजिए, जो इथरनेट है उसको एक बार डिसेबल कीजिए, डिसेबल करके इनेबल कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। मैं एक बार डिसेबल करके इनेबल करता हूँ जो मेरा इथरनेट है। तो डिसेबल कर दिए, उसके बाद फिर से इनेबल करके, क्योंकि डिसेबल करके इनेबल करने का मतलब है जो सर्विसेस है, जो नेटवर्क का सर्विसेस है वो एक बार बंद करके ऑन करना है। देखिए इधर कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अभी एक बार इंटरनेट भी चेक करके देखेंगे। देखिए इंटरनेट चालू हो गया। ठीक है, तो अगर आप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।